नमस्कार, जय हिंद मित्रों। साल भर में जो अवार्ड्स हुए हैं चर्चा करेंगे। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023, नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार, ऊर्जा अनुसंधान के नोबेल पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 57वें नंबर का पुरस्कार था इस समय जो दिया गया, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पहले बात ऐसा कोई घर नहीं है भारत में जहां पर इस पब्लिकेशन की किताब नहीं होगी। नमस्कार, जय हिंद मित्रों, कैसे हैं आप सभी। दिल्ली आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट की दो क्लास में जो हमने करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें एक में देखा था हमने सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट अभी जो चुनाव हुए उसके बारे में, ठीक है। और एक छोटी सी उसमें गलती हो गई थी कि महिलाओं की जो संख्या थी विधायकों की वो हमने 18 बताया था, वो 19 है, तो थोड़ा सा उसको ध्यान रखिएगा, है ना। 90 विधानसभा सीटों में से 19 विधानसभा सीटों को महिलाओं ने जीता है। तो अभी फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा में 90 में से 19 सीटें महिलाओं के पास गई है, याद रखिएगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा गलती हो गया था क्योंकि एक दिन पहले का जो डेटा था वो 18 था, फिर एक अलग डेटा आया उसमें 19 था, बाद में उसको करेक्ट किया गया, तो वो आप इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। और आज की कक्षा में हम सारे के सारे इम्पोर्टेंट साल भर में जो अवार्ड्स हुए हैं, जो अवार्ड्स दिए गए हैं अलग अलग क्षेत्रों में, स्पोर्ट्स से लेकर के सारे इवेंट्स में, तो उस पर हम चर्चा करेंगे एक क्वेश्चन को लेकर के और उसके बाद उसके सारे डिटेल्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ठीक है। बहिदा रहमान जी जो एक वेटरन एक्ट्रेस है, बहुत सम्मानी और बहुत प्रतिष्ठित महिला अभिनेत्री है, ठीक है, तो आप इसको नाम याद रखिए, बहिदा रहमान जी को ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा? दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, मतलब उनके पूरे लाइफ टाइम में जो अचीवमेंट हुआ है उसको देखते हुए पुरस्कार उनको दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है ए, डॉक्टर स्वाति नायक। आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं यहाँ, डॉक्टर स्वाति नायक। कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए ओडिशा के वैज्ञानिक है स्वाति जी, उनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार 2023, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो पहले ध्यान रखिएगा जो अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार है वो ऊर्जा अनुसंधान के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक बड़ा पुरस्कार है एनी अवार्ड, जिसको जीता है किसने, डी ऑप्शन याद रखिएगा, थलप्पिल प्रदीप जी ने, ठीक है, ये जो है थलप्पिल प्रदीप जी जिनको मिला है ये अवार्ड एनी पुरस्कार, ठीक। आगे, 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान, याद रखिएगा, सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है कौन सा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 57वें नंबर का पुरस्कार था इस समय जो दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार वो किसको दिया गया, तो ध्यान रखिएगा दामोदर मौजो, बहुत इंपॉर्टेंट ये अवार्ड है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार ऐसा माना जाता है इसको, ठीक। इसमें 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है और एक वाग देवी की मूर्ति भी प्रदान की जाती है मोमेंटम के स्वरूप में, मतलब माता सरस्वती की मूर्ति भी दी जाती है, ठीक है, तो 11 लाख तथा एक मूर्ति माता सरस्वती की। स्थापना कब हुई थी, 1965, ठीक है, 1965 में इसको देने की शुरुआत की गई थी, और इसके प्रथम पुरस्कार के विजेता हैं जी शंकर कुरूप जी, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल इसके बारे में याद रखिए, इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इससे कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखते हैं, 2023 में 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। आप यहां पर ये चार ऑप्शन है ए बी सी डी, इन सभी के नाम याद रख सकते हैं,
या अगर आपके लिए ज़्यादा हो जाए तो ध्यान रखिएगा आर रवि कन्नन जो भारत के हैं इनका नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हालांकि यूजेनियो लेमोस, ठीक है, आर रवि कन्नन, कोरवी रक्षंद, मरियम कोरोनेल फेरेर जो कि फिलीपींस की है, ये चारों को ही ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और खासकर जो है आप भारत के जो आर रवि कन्नन जी हैं उनका नाम याद रखिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर हो सके तो सारे नाम याद रखिए, ये भी आ सकता है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। तो रैमन मैग्सेस पुरस्कार, इस पुरस्कार की स्थापना फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की स्मृति में किया गया था, ठीक है। रवि कन्नन के बारे में बता दें कि रवि कन्नन पेशे से कैंसर के क्या है, चिकित्सक हैं, और यह पुरस्कार पहली बार 1958 में प्रदान किया गया था, मतलब 1958 से यह पुरस्कार लगातार दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है लोकमान्य तिलक अवार्ड, ठीक है। ये तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट, जिसको हिंद स्वराज संघ भी कहा जाता है, के द्वारा दिए जाने वाला एक राष्ट्रीय पुरस्कार है, ठीक। इसकी स्थापना 1920 में पुणे में की गई थी, जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम किया है। तो यह पुरस्कार इस साल किसको दिया गया है, आप फोटो में देख सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पहले बात तो इधर रखिएगा, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और यह भी नॉर्वे के राजा द्वारा एक या एक से अधिक उत्कृष्ट गणितज्ञों को प्रतिवर्ष दिए जाने वाला एक नॉर्वेजियन, मतलब नॉर्वे जो कंट्री है ना, वहां का पुरस्कार है। और इसका नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो इस साल इस पुरस्कार की विजेता है लुइस कैफ्रेली, जिनकी फोटो आप देख रहे हैं सामने, लुइस कैफ्रेली जी, ठीक है। तो यह है गणित का एबेल पुरस्कार। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फेमिना मिस इंडिया 2023, पहले ये सब क्वेश्चन बहुत आते छोटे मोटे, आजकल ये क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं, खैर जो भी है, इस समय पे ये दिया है गया है, सी ऑप्शन याद रखिएगा, नंदिनी गुप्ता जी को, ठीक। तो फेमिना मिस इंडिया 2023 किसको दिया गया है, नंदिनी गुप्ता, यहाँ पे आप उनकी फोटो भी देख सकते हैं, नंदिनी गुप्ता जी को, ठीक है। चलिए और कुछ खास नहीं, आगे देखते हैं। 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर, एक उपन्यास है जिसका नाम है टाइम शेल्टर, के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार जो है हर साल दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, तो ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन जॉर्जी गोस्पोडिनोव, ठीक है, इनको दिया गया है क्या, टाइम शेल्टर, जो इनकी बुक थी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। बुल्गारिया जो एक देश है, बुल्गारिया या बुल्गारिया ऐसे एक देश है, ठीक है, वहां की जो लेखिका है, लेखक है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को टाइम शेल्टर पुरस्कार उपन्यास के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन सारे के सारे प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको हल्का फुल्का भी आसपास के नाम पता है तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक। तो पूरा नाम ना भी याद हो, थोड़े पुटांग नाम होते हैं, अगर ना भी याद हो तो शुरुआत के एक नाम आधा नाम याद रख लीजिए, काफ़ी है। अगर आप उसको दो तीन बार अच्छे से पढ़ भी लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 के लिए गांधी, अब 2021 का है ना, ध्यान रखिएगा, जो अभी मिला है, 2021 के लिए गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गीता प्रेस गोरखपुर, इंपॉर्टेंट है, गीता प्रेस के बारे में आपको पता ही है, गीता प्रेस भारत की एक ऐसी संस्थान है जहाँ पे सर्वाधिक जितने भी सनातन धर्म या हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, लगभग सारे ग्रंथ वहीं से छपते हैं, लगभग ऐसा कोई घर नहीं है भारत में जहाँ पर इस पब्लिकेशन की, गीता प्रेस गोरखपुर की किताब नहीं होगी, ठीक है। आप खुद जाके घर में देखिए, आपके घर में जितनी भी किताबें हैं उनमें से कुछ ना कुछ इस प्रेस के माध्यम से छपी हुई होगी, बड़ा अनोखा प्रेस है, कभी इसके बारे में आप देखिएगा, यूट्यूब में अवेलेबल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, गीता प्रेस 100 साल पुरानी संस्था है जो हिंदू धार्मिक ग्रंथों को प्रकाशित करती है, ठीक है। यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है, गांधी पुरस्कार, तो यह पुरस्कार अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। मतलब गांधीवादी तरीके से जो काम करते हैं देश में शांति स्थापित करने के लिए, इसलिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस साल किसको दिया गया है? गीता प्रेस गोरखपुर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे नवाजा गया है? आर्किटेक्ट के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा डेविड एलन चिपरफील्ड। ठीक है, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अगर हल्का फुल्का याद रहे तो कर लीजिएगा, चिपरफील्ड के नाम से है ना। प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आर्किटेक्ट या स्थापत्य के क्षेत्र में काम करने वालों को दिया जाता है, और इस साल किसको मिला है? तो डेविड एलन चिपरफील्ड जी को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है भैया। देखो आईफा ये वो दुनिया भर के अवार्ड आते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जब आप जाओगे एग्जाम में तो राष्ट्रीय पुरस्कार से ही ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये पुरस्कार इस साल दिया गया किसको? अल्लू अर्जुन को, उनकी जो मूवी है पुष्पा दी राइस के लिए यह पुरस्कार उनको दिया गया है, अल्लू अर्जुन को। ठीक है, इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट जिनकी मूवी थी गंगूबाई काठियावाला के लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। तो अभिनेत्री में याद रखिए आलिया भट्ट जी, मूवी का नाम गंगूबाई काठियावाला, और अल्लू अर्जुन उनकी मूवी पुष्पा दी राइस के लिए, आप सभी ने देखी होगी मूवी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से नवाजा है? ठीक है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ये अवार्ड दिया गया है फ्रांस के द्वारा, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है ये। ठीक है, जैसे हमारे भारत रत्न का सम्मान होता है तो वैसे वहां पर ये होता है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर। ठीक है, तो ये फ्रांस का सम्मान है जो नरेंद्र जी मोदी को दिया गया है, और इसके अलावा बहुत सारे और देश हैं जिन्होंने अपने तरफ से इनको अलग अलग अवार्ड दिए हैं, जिसमें से कुछ अवार्ड अभी आएगा मैं आपको बताता हूं, तब तक दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? ऑस्कर एक प्रतिष्ठित अवार्ड है और पूरी दुनिया में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड इसको माना जाता है। ठीक है, और यहां पर पूछा है क्वेश्चन में कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया है, तो याद रखिएगा ब्रेंडन फ्रेजर को यह अवार्ड दिया गया है। किसको? ब्रेंडन फ्रेजर को। ठीक है, किस फिल्म के लिए दिया गया है? द वेल, उनकी एक मूवी आई थी द वेल, उनके लिए दिया गया है। लेकिन यह खास बात नहीं है कि इनको मिला, वो तो हर साल किसी ना किसी को मिलना ही है, हर साल भारत को नहीं मिल पाता ऑस्कर, तो भारत को इस साल दो अवार्ड मिले हैं ऑस्कर में। तो ध्यान रखिएगा, एक एक करके देख लेते हैं सारे, सर्वश्रेष्ठ फिल्म में नाम रखिएगा याद, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड इसको मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है मिशेल योह को, कि जो हांगकांग की है, मूवी का नाम था एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। ठीक है, बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड मिला है पिनोचियो को, मूवी देखिएगा पिनोचियो, बड़ी अच्छी मूवी है पिनोचियो। ठीक है, एक पुतले की कहानी है जिस पर जान आ जाती है। ठीक, तो बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड मिला गया है पिनोचियो को। सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, द एलिफेंट विस्परर्स, द एलिफेंट विस्परर्स, ये भारत के द्वारा बनाया गया था मूवी, भारत के लोगों द्वारा, तो द एलिफेंट विस्परर का नाम याद रखिएगा। इसके बाद बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू को मिला है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने ये मूवी देखी भी होगी आरआरआर जिसकी है, इसे कंपोजर थे एमएम किरवानी और लेखक है चंद्र बोस। ठीक है, इस पूरे ऑस्कर अवार्ड के बारे में हमारा एक यूट्यूब में ही एक पूरा का पूरा वीडियो डाला हुआ है, आप उसमें जाकर के इसको फिर से पूरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसमें इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी आपको दी गई है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है? तो ध्यान रखिएगा मुंबई, मुंबई ने लगातार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब जीता है, मतलब जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। ठीक है, पॉल्यूशन भी है लेकिन पेड़ पौधे भी हैं, जैसे हमारे यहाँ भिलाई है जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं,
ठीक, तो वहाँ पे BSP है, पॉल्यूशन फैलाता है, लेकिन फिर भी पेड़ पौधे वहाँ पर ज़्यादा, ठीक। वैसे ही नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बड़ा ही प्रतिष्ठित अवार्ड है सरस्वती सम्मान, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और इस साल दिया गया है शिव शंकरी जी को यह पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, ठीक है। तो सरस्वती सम्मान शिव शंकरी जी को उनके पुस्तक सूर्य वंशम के लिए दिया गया है, ठीक है। लेखिका का नाम है शिव शंकरी जी, पुस्तक का नाम है सूर्य वंशम, है ना। मूवी नहीं है ना, जो मूवी एक आती है आपकी वो वाली नहीं है, ये सूर्य वंशम उनकी अलग एक किताब है, ठीक। सरस्वती सम्मान भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी एक में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए वार्षिक पुरस्कार है, ठीक है। मतलब जो भारत के संविधान में 22 राजकीय भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में से आप किसी भी एक में बुक लिखते हैं जो कि बड़ी अच्छी साबित होती है ना, इनकी बोर्ड ज्यूरी की नज़र में, तो आपको उससे अवार्ड दिया जा सकता है। और इस साल किसको मिला है, शिव शंकरी जी को। इसकी स्थापना 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी, ठीक है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और इसके पहले विजेता हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, शिव शंकरी, उनके बुक का नाम सूर्यवंशम, स्टार्ट कब हुआ था 1991 में, किसके द्वारा, के बिरला फाउंडेशन द्वारा, क्यों दिया जाता है, तो 22 भाषाओं में से किसी एक में, है ना, आपकी रचनाओं को दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, तो ध्यान रखिएगा आशा भोसले जी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये रही आशा भोसले जी, जिनको इससे सम्मानित किया गया है। पहला जो सम्मान था, जब लता मंगेशकर जी का देहांत हुआ था, उसके जस्ट बाद ये अवार्ड देना स्टार्ट किया गया था, तो पहला अवार्ड दिया गया था नरेंद्र जी मोदी को, और दूसरा अवार्ड दिया गया था, ठीक, इनको, उनकी बहन आशा भोसले, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये जो अंबेडकर पुरस्कार है वो सामाजिक समझ और राष्ट्रीय अखंडता के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों या संगठनों को दिया जाता है, और इस साल दिया गया है योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार योगी आदित्यनाथ 2023, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है। अब नील से आप याद रखिए, जो नील नदी बहती है कहां, मिस्र में, नाइल रिवर, तो ये कहां से दिया जाएगा, मिस्र से ही दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ द नील, अभी एक फ्रांस वाला देखा था और सेकंड नील, ठीक। ये सारे और भी अवार्ड है जो उनको दिया गया, जैसे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर, ये किसके द्वारा, ये ग्रीस के द्वारा अगस्त 2023 में, ऑर्डर ऑफ द नील, ठीक है, मिस्र जून 2023 में, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर फ्रांस, जिसका हमने अभी जिक्र किया था, और एक द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ये पापुआ न्यू गिनी के द्वारा इसको दिया गया था, ठीक है। तो इतने सारे अलग अलग सर्वोच्च सम्मान को दिए जा चुके हैं, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 2023 में जेल में बंद ईरान की किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर इलालेह मोहम्मदी, लोफर हमीदी, नरगिस मोहम्मदी, तीनों ने ही यह पुरस्कार जीता है, तो उपयुक्त सभी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, ये तीन महिलाएं हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, 2023 में विश्व शांति पुरस्कार किसने जीता, विश्व शांति पुरस्कार, तो यहां पे फिर उनका नाम आता है नरगिस मोमांद हसनजई, ठीक है। तो विश्व शांति पुरस्कार किसको दिया गया है, नरगिस जी को, बस नरगिस याद रखिए, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। आगे, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म पुरस्कार भारत में हर साल दिए जाने वाला एक श्रेष्ठ पुरस्कार है, भारत रत्न से लेकर के सारे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, ये सारे अवार्ड। तो टोटल 106 याद रखिएगा, 106,
ठीक है, हमारे यहाँ 108 शुभ संख्या माने जाती है, दो कम कर दीजिए 106, तो 106 लोगों को इस साल पद्म पुरस्कार के लिए है ना नॉमिनेट किया गया है। और तो यहाँ पे देख सकते हैं उसका डिटेल कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 के लिए 106 पुरस्कारों की मंजूरी दी है। इन पुरस्कारों की सूची में 6 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पद्मश्री पुरस्कार, उसके बाद पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण 6, है ना। तो यहाँ पर आपको सब नाम तो आप याद नहीं रख सकते 106, लेकिन हाँ आप ये जो 6 पद्म विभूषण है उनके नाम तो आप याद रख ही सकते हो, तो उसको आप याद रखिए। ठीक है, यहाँ पर एक है मुलायम सिंह यादव जी, ठीक, मरणोपरांत बालकृष्ण दोषी, मरणोपरांत जाकिर हुसैन, एस एम कृष्णा, दिलीप महालनोबिस और श्रीनिवास वर्धन, ये 6 आप सामने भी देख सकते हैं। तो ये 6 जो लोग हैं उनको यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है, कौन सा, पद्म विभूषण। ठीक है, वो पद्म विभूषण ही याद रखिए, इनमें से किसको नहीं दिया गया है या किसको दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब डी ऑप्शन आर बानी गैब्रियल, जो अमेरिका की है। ठीक है, आर बानी गैब्रियल जी को विश्व है ना यूनिवर्स या मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, 32वें व्यास सम्मान 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया गया, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यास सम्मान तो याद रखिएगा ज्ञान चतुर्वेदी, ज्ञान चतुर्वेदी जी को इस साल ये व्यास सम्मान दिया गया है। इनका व्यंग उपन्यास है पागलखाना, ठीक है, इनके व्यंग उपन्यास पागलखाने के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। व्यास सम्मान पुरस्कार एक साहित्यिक पुरस्कार है जो प्रत्येक वर्ष के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, एक और अभी देखा था के बिरला वाला, अब ये दूसरा है। ठीक, तो याद रखिएगा कि व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा यहां पर रणवीर सिंह को यह पुरस्कार दिया गया है उनके फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए। ठीक है, रणवीर सिंह, इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट है ना, बहुत अवार्ड मिला इनको इस साल, और फिल्म ऑफ द ईयर RRR। ठीक, तो दादा साहब फाल्के एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार था, वो भी आप याद रखिए। ठीक है, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट फिल्म। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो याद रखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, शक्तिकांत दास। पूरे दुनिया में जितने भी रिजर्व बैंक जैसे अलग अलग बैंक होते हैं अलग अलग देशों में, उनके सबसे श्रेष्ठ गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास जी का नाम यहां पर आया है। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर है भाईखला रेलवे स्टेशन मुंबई। ठीक है, तो भाईखला रेलवे स्टेशन मुंबई को क्या दिया गया है, यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत का इसको पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्यास सम्मान 33वां नंबर का, 33rd। ठीक है, देखो इसके पहले हमने जो व्यास सम्मान देखा था वो 32वें नंबर का था। ठीक है, 32वां, और अभी जो मिला है वो 33वें नंबर का है। तो आप 33वां ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी अभी मिला है, ध्यान रखिएगा 33वां व्यास सम्मान हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें, ये अभी लेटेस्ट है, एकदम ही कुछ दिन पहले का डेटा है। ठीक है, तो 32वां भी याद रख लीजिए, 33वां भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें के लिए चुना गया है 33वें नंबर के व्यास सम्मान के लिए, जो कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार को हर वर्ष एक उत्कृष्ट हिंदी साहित्य के लिए भारतीय नागरिकों को दिया जाता है जो पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हुआ हो, मतलब आपके पिछले 10 साल की भी जो बुक है उसमें देखा जाता है कि सबसे श्रेष्ठ कौन सी है, उसके हिसाब से दिया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो खेल रत्न पुरस्कार है ना जो राजीव गांधी के नाम से पहले मिला करता था, अब पिछले साल से उसका नाम चेंज हो गया है,
मेजर ध्यानचंद के नाम से, और इस साल सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी जो कि भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी है दोनों के दोनों, ठीक है, तो दोनों को यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नॉमिनेट किया गया है। अभी मिला नहीं है, बस नॉमिनेशन हुआ है, मिल जाएगा, तो आप इनका भी नाम याद रखिएगा, ठीक। इसके अलावा अर्जुन अवार्ड मोहम्मद शामी, एक नाम आप याद रख सकते हैं, हालांकि बहुत सारे नाम हैं अर्जुन अवार्ड में तो, लेकिन सबका नाम हम याद नहीं रख सकते। मोहम्मद शमी एक बड़ा नाम है क्रिकेट से जुड़े हुए, तो आप इनका नाम याद रख सकते हैं। और इसी समय पर द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिया जाता है, जिसका नाम है ना, ये पांच लोग हैं, गणेश प्रभाकरण मलखम, महावीर सैनी पैरा एथलीट, ललित कुमार रेसलिंग, आर बी रमेश शतरंज और शिवेंद्र सिंह हॉकी, ये ठीक है, ये याद रख सकते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड जो कि कोच कैटेगरी में दिया जाता है ना, प्रशिक्षक कैटेगरी में दिया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, कुछ नोबेल पुरस्कार है जिसके बारे में हमको देखना है। हालांकि नोबेल पुरस्कार से मैंने अभी रिसेंटली देखा है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और चांसेस कम है वैसे, लेकिन फिर भी हम हल्का हल्का एक एक बार देख लेते हैं ताकि हमसे कभी क्वेश्चन आए तो छूटे ना, है ना। एक का दुख का नाम भी अगर याद रहे ऊपर नीचे का तो भी क्वेश्चन बन जाता है, तो प्रिलिम्स का दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो नोबेल पुरस्कार अलग अलग श्रेणी में दिया जाता है, लगभग 6 श्रेणी में, ठीक है। उसमें से पहली श्रेणी है फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में, तो यहाँ पर कैटलिन कारिको हंगरी की और डू विस्मैन जो कि अमेरिका के हैं उनको यह दिया गया है अवार्ड। क्यों दिया गया है, तो न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित खोज जिन्होंने कोविड 19 के खिलाफ प्रभावी है ना टीकों के विकास को सक्षम बनाया था, ठीक है। तो ये जो है दो व्यक्तियों को दिया गया है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक। कुछ ट्रिक वगैरह भी आप बना सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको सही लगे, और ट्रिक से ही थोड़ा याद कर लेना तो याद करने में दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है। जैसे रसायन के क्षेत्र में मोगी जी बावेंडी, एलेक्सी आई एकिमोव और लुइस ई ब्रस, ठीक है। देखो ट्रिक बना करके देख लेना, अगर आपसे नहीं बनेगा ठीक है तो कमेंट बॉक्स में कर देना कि हम आपको ट्रिक बनाकर भी कुछ ना कुछ दे ही देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल बस नाम देख लेते हैं, मोगी से मैगी याद रख सकते हैं, ठीक है, एलेक्सी से लस्सी याद रख सकते हैं, और लुइस, तो लुइस जो है लस्सी और मैगी खाता है ना, और रसायन का स्टूडेंट है, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक। चलिए, और इनको क्यों दिया गया है, तो क्वांटम डॉट्स के खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है। ये वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए अभी फिलहाल नहीं है, ये याद रख लीजिएगा, नाम काफी है। इसके बाद भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में पियरे अगस्टिन, ठीक है, फेरेंग क्रॉन्स और एनी एल हुईलियर, तो अजीब अजीब नाम है, तो फर्स्ट नाम याद रख लेना पियरे फेरेंग और एनी के नाम से, तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक। क्यों दिया गया है, तो प्रायोगिक विधियां जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करती है वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर आपका ये फील्ड पढ़ता है, आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होती तो याद कर लीजिएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। बस नाम भी याद हो जाते हैं तो आपके प्रिलिम्स में काम चल जाएगा, ठीक है। यूपीएससी में जब आप जाते हैं तो इनसे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पीएससी में उतने डीप में जाकर के क्वेश्चन नहीं पूछता, तो हमारे उतना टेंशन की बात नहीं है, ठीक। जहाँ जहाँ पर सिंगल क्वेश्चन आएगा वहाँ वहाँ पर ठीक ठाक याद कर लीजिएगा, है ना। तो साहित्य के क्षेत्र में जॉन ओलाव फॉस, या जॉन फॉस को जॉन फॉस बस याद रखना, जो कि नॉर्वे के हैं, ठीक है। नवोन्मेषी नाटक और गद्य जो अकथनीय बातों को वाणी प्रदान करते हैं, ठीक, उनके लिए इसको दिया गया है। मतलब कोई एक बुक के लिए नहीं दिया था, उनके पूरे योगदान के लिए कुछ एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा जो इनके समाज में साहित्य के क्षेत्र में, तो उनको दिया जाता है, ठीक। तो साहित्य का जॉन फॉस याद रख लेना बस, ठीक। शांति के लिए यह बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है सिंगल वाला, नरगिस मोहम्मदी, ठीक, शांति के क्षेत्र में इनको क्या दिया गया है, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ईरान में, ये ईरानी महिला है, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानव अधिकारों व स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए लड़ाई लड़ी थी इन्होंने, और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अभी जो ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ये पूरा अस्त व्यस्त इलाका हो चुका है, शांति स्थापित वहाँ पर नहीं हो पा रही है, काफ़ी लंबे समय तक शांत था जब तक अमेरिका उस क्षेत्र में था अफगानिस्तान में, लेकिन अब वहाँ पर जो मामला है वो बिगड़ता जा रहा है। खैर, श्रेणी अर्थशास्त्र, नई श्रेणी
यहाँ पर क्लाउडिया गोल्डन जो अमेरिका की नागरिक है उसको दिया गया है ये अवार्ड। क्यों दिया गया है? तो महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए, मतलब महिलाओं को जो श्रम बाजार है, ठीक है, मतलब जहाँ पर महिलाओं का श्रम लगता है या महिलाएं काम कर सकती हैं, उनके परिणामों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए यह अवार्ड उनको दिया गया है। ठीक है, तो क्लाउडिया गोल्डन अमेरिका की अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, चाहिए मेरे ख्याल से लास्ट था। ठीक है, और इसके अलावा कुछ भारतीय जिनको पहले दिया जा चुका है, ठीक, ये भी आप याद रखिएगा, तो शायद कुछ क्वेश्चन इससे ही बन सकते हैं। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था साहित्य के लिए 1913 में, सर सीवी रमन जी को दिया गया था भौतिकी में 1930 में, हर गोविंद खुराना को 1968 में दिया गया था फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में, मदर टेरेसा जो कि भारत के नागरिक बाद में बन गई थी, ठीक है, 1979 में शांति के लिए दिया गया था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में भौतिकी के लिए, ठीक है, अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स साइंसेस, ठीक है, 2009, वेंकट रमन रामकृष्ण, सॉरी अमर सेन को 1998 में और वेंकट रमन रामकृष्ण को 2009 में, कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, 2014 में शांति के लिए, और अभिजीत बनर्जी को 2019 में इकोनॉमिक्स साइंसेस के लिए दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो आज तक 9 भारतीयों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, तो ये साल भर के अभी तक जितने अवार्ड मिले हैं अलग अलग क्षेत्र में बड़े बड़े, तो वो हमने आज चर्चा की है। और ये इस सीरीज़ का जो करंट अफेयर सीरीज़ है हमारा पीएससी 2023 का जो फरवरी में होने वाला है, तो उसकी ये थर्ड सीरीज़ है। ठीक है, और इसी प्रकार से सारे जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो मैं सेगमेंट वाइज और भी आपके लिए लेकर के आऊँगा अलग अलग वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको जो आपके काम का लगे, ऐसे तो हर चीज़ काम का है, ठीक है, तो अगर आपको इसमें और कुछ सुधार की ज़रूरत पड़ती है या फिर और कुछ डिमांड हो आपकी, या फिर आपको लगे कि सर ये चीज़ें और बता देते या फिर और कुछ ट्रिक बता देते, तो ऐसा कुछ होगा तो आप बिल्कुल कमेंट में आप हमको पिन कर सकते हैं, है ना, और हम उसके आधार पर आपको और भी सहायता प्रदान करने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि आपको हर तरीके से आपके एग्जामिनेशन के लिए तैयार किया जाए, और जितने भी आपको सुविधाएं चाहिए या जितने भी आपको मदद चाहिए वो उसके लिए तो हम तैयार हैं ही। तो खैर, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।